और यहाँ मैंने गाड़ी क्यों फंसाई मुझे पता नहीं। ओ भाई तो, और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गेम प्ले जिसमें तुमको ऑसम मौसम क्लचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि एक ऑफिशियल न्यूज़ है और भाई ऑफिशियल न्यूज़ अगर आती है ना तो दिल खुश हो जाता है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुमको मैं पहले बता देता हूँ ये कोई BGMI से रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली। हाँ, ये गेम प्ले BGMI वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है वो गेम प्ले वाली है, गेम प्ले ही चलेगा। एक छोटी सी न्यूज़ है वैलोरेंट मोबाइल को लेके, तो उसको मैं जल्दी से आपको बता के फिर वापस से गेम प्ले पे आएंगे और मस्त से कमेंट्री करेंगे। तो भैया न्यूज़ क्या है, तो देखो हम सब जानते हैं वैलोरेंट एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर PC गेम है इंडिया में, अगर हम कॉम्पिटिटिव शूटिंग की बात करें तो। अब देखो तुम सबको पता होगा कि जितने भी PC गेम्स हैं उनके मोबाइल वर्जन आ रहे हैं, तो वैलोरेंट जो है जो PC का गेम है उसका भी एक मोबाइल वर्जन आ रहा है वैलोरेंट मोबाइल। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही कमाल का उसका गेम प्ले फुटेज है, मतलब कि दिल देख के खुश हो गया और होप्स बढ़ गई कि हाँ कोई अच्छा गेम आने वाला है। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग हो जो वैलोरेंट खेलना चाहते हो बट उनके पास PC नहीं है, लेकिन अगर ये गेम मोबाइल पे आ जाता है तो आपको इस गेम का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि भैया ये गेम जो है बहुत अच्छा है, खास करके इसका कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा होने वाला है इंडिया में, क्योंकि ये इकलौता एक PC गेम है एटलीस्ट मेरी नज़रों में जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है PC कॉम्पिटिटिव सीन की अगर बात करें तो अगर कोई चीज़ मतलब इंडिया में ऑलरेडी PC पे फेमस है तो अगर वो मोबाइल पे आ जाएगी तुम सोचो कितना बड़ा बूम आने वाला है। तो फाइनली इस गेम की रिलीज डेट के बारे में गेम के डायरेक्टर ने कुछ हिंट्स दिए हैं, तो मैं सीधा तुमको बताता हूँ, कोई सस्पेंस नहीं बनाता हूँ। तो गेम के डायरेक्टर ने बोला है कि ये जो गेम है ये आपको अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 2023 का पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी और मार्च, इन तीन महीने में से किसी एक महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो जनवरी फरवरी में हो सकता है आपको कुछ बीटा मिल जाए, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है जो ओपन बीटा होता है वो आपको आई थिंक मार्च वगैरह के एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर गेम उसी ही दौरान पे आते हैं, तो आपको मे भी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है ग्लोबल लॉन्च के लिए। ग्लोबल लॉन्च आई थिंक सितंबर के आसपास रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में क्लोज बीटा या ओपन बीटा खेलने को तो मिल जाएगा वैलोरेंट मोबाइल का, और यकीन मानो आपको ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये गेम थोड़ा सा आपको कुछ नया देगा, वही बैटल रॉयल का रिपीटेटिव जॉनरा जो है ना उससे हट के कुछ आपको ये गेम ऑफर करेगा, तो आपको अच्छा मजा आने वाला है इस गेम में। और इसी के साथ साथ गेम के क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात करी गई है कि क्या PC वाले मोबाइल वाले साथ में खेल पाएंगे, या अगर आप इस गेम को PC पे खेलते थे तो उस पर जो आपने स्किन्स वगैरह खरीद रखी हैं, जो आपने पैसे खर्चा कर रखे हैं, वो आप मोबाइल वर्जन पे यूज़ कर पाओगे या फिर आपको फिर से सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो देखो भाई इसके बारे में थोड़ा सा मिक्स्ड उन्होंने रिएक्शन दिया है, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा है, उन्होंने कहा है कि हाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसा कुछ तो रहेगा, लेकिन ये मान के चलो कि आपके पैसे वेस्ट तो होने वाले हैं, क्योंकि लीग ऑफ लेजेंड्स में जिनके पास स्किन थी वाइल्ड रिफ्ट में उनको वापस से खरीदनी पड़ी सेम स्किन, तो मुझे को नहीं लगता कि मतलब PC की जो स्किन्स हैं वो मोबाइल पर आने वाली है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि PC वो प्लेयर जो है वो मोबाइल प्लेयर्स के अगेंस्ट आएंगे मैच में। मे भी ये हो सकता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गेम में उनके लिए जो करना चाहते हैं ऐसा, मतलब स्पेसिफिकली जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी PC प्लेयर दोस्त के साथ खेलूँ तो मैं मैच मेकिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज जो नॉर्मल मैच मेकिंग होगी मेरी वो मोबाइल डिवाइसेज वालों के साथ ही होगी। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन था जो सामने से आया है, बाकी स्किन तो आई थिंक आपको खरीदनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं गेम प्ले की, तो देखो भैया यहाँ से बढ़ गया है तुम्हारे गेम प्ले का साउंड है, और ये बंदे की फट गई है क्योंकि ये बंदा बहुत देर से छत पे बैठा हुआ था और इसको यकीन नहीं हुआ कि कहाँ से नेड आया, नेड एकदम परफेक्ट गिरा था, वो बहुत लो गया था, थोड़ा सा और परफेक्ट होता तो क्या पता नॉक भी हो जाता। अब देखो यहाँ पर मैं पुश करने आया था और ये बंदा डर के मेरे से भाग रहा था, भाई छत ही छत भाग रहा है, छत ही छत ये देख रहे हो भाई फुल बंदर हुआ पड़ा है ये बंदा। वेल इसका टीममेट यहाँ पर लेटा हुआ बालकनी में, तो मैंने एक मॉली डाला और वो बंदा भागा, वो मेरे ऊपर नेट डाल रहा था यार। अब इसको मैंने भर दिया और इसका दोस्त जो बंदर था उसको बाहर किसी और टीम ने भर दिया। अब यहां पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो किल मुझे चाहिए थी, तो अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ये पूरी स्क्वाड खा जाऊंगा, और यकीन मानो ये पूरी स्क्वाड है और ये जानते हैं मैं कहां हूं, ये भाई मेरे को मारने के लिए एकदम रेडी है पता है,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका पाला किससे पड़ गया है। बस देखते जाओ, तुमको मजा आने वाली है। अब यहां पर फायरिंग से मुझे तो इतना पता था कि वो सामने ही है, तो मेरे को यार बस उनको ढूंढना था कि वो एग्जैक्टली किस घर में है। और बस तुमको बंदे दिखने ही वाले हैं। अब देखो, एक बंदा दिखा तुमको, उसने मेरी गन देख ली तो मैं वापस से प्रोन हो गया। उसका एक और टीममेट दिखा, फिर कोई मेरे ऊपर फायर करा सामने वाले घर से, तो मैं समझ गया ये मिनिमम तीन लोग हैं और तीनों की नजरें मेरे पे हैं। और ये जो पास में आ गया है ना पेड़ के पास, ये मेरे ऊपर नेट डाल रहे। अब मैंने यहां पर एक मॉली डाला और उससे हुआ क्या कि बाउंड्री के पास जो बंदा था ना, उसने पैनिक में अपने आप को ही फोड़ लिया नेट से। तो यहां मैं समझ गया मेरे पास यही एक मौका है, अगर अभी पुश नहीं करा तो कर नहीं पाऊंगा। अब दो नॉक हो चुके थे, तीसरा वाला बंदा बहुत दूर था, तो मैंने आराम से टाइम लेके फिनिश करा इनको। इनको फिनिश करने के बाद इनका तीसरा बंदा आया और उसको लग रहा था कि मैं बाउंड्री के पास हूं। बस देखते जाओ क्या भरूंगा इसको। हाय हाय हाय, कट गई इस स्क्वाड की भाई। बस जो भी हो, इनका चौथा बंदा कहाँ है आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि अब वो चिंकी में बंदे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने बग्गी उठाई और मैं कहा ज्यादा दूर नहीं, अपार्टमेंट नहीं यार, स्क्वाड हाउस गया मैं। और मेरे को यहाँ पर मिल गया बाहुबली जो कि लैग खा रहे। क्या हो गया बाहुबली भाई, नेट पैक खत्म हो गया क्या तुम्हारा? वेल देखो, दूर से मेरे ऊपर कोई मिनी चला रहा है, स्कारल भी चल रही है, तो मुझे इतना पता था इसके टीममेट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ मैंने गाड़ी क्यों फंसाई मुझे पता नहीं। ओ भाई यार, अगर तुमने इसके लिए वीडियो को लाइक नहीं करा ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कब करोगे। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स भाई, बंदे को जो मारे ना टपाटप हेडशॉट्स, भाई रो दिया होगा ये। इसके लिए मैं फ्री की खेलता पता है, लेकिन फिलहाल ये तो मेरे पेट में गया। अब जो भी हो, मुझे पता था इसके टीममेट मेरे ऊपर रश करने तो आएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं पता था कि वो है कहाँ, ये तो बॉट है। तो इस बॉट को मारने के बाद मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार वो कहाँ ही होंगे, चर्च पे ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये गेस था मेरा टोटली, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो कहाँ पर है, क्योंकि जब फायर कर रहे थे तो मैंने देखा नहीं था। तो मैं चर्च की तरफ ही गया क्योंकि भैया मेरे को गाड़ी भी तो उठानी थी, गाड़ी रोड पर ही मिलेगी और रोड तो इसी तरफ है। अब देखो, वो चर्च पे थे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब एक बग्गी आई, तो मैंने थोड़ा सा बॉट फायर करा उनको बुलाने के लिए और वो आ भी गए। और इनको मैंने उतार के इनकी बग्गी ले ली, इनकी लूट भी ले ली और इन सब को लॉबी भी पहुंचा दिया। अब यहाँ पर मेरी तो चांदी हो गई थी कि पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी थी। तो मैंने इनकी बग्गी ली और भेड़ दी ले जाके इवेंट वाले, ये जो भी है यहाँ पर रेत का तूफान, पता नहीं क्या बोलते वैसे, गल जो भी हो। अब यहाँ पर देखो, जब मैं पहुँचा ना तो दो स्क्वाड आपस में लड़ रही थी, लेकिन जैसे मैं पहुँचा इनकी लड़ाई निपट चुकी थी, चार बंदे फिनिश हो गए, बाकी जो बच रहे थे बच रहे थे। तो अब जो बच रहे थे ना उनको मैं समेटने वाला था। अब एक बंदा दिख गया जिसको मैंने नॉक कर दिया, और उसका दूसरा भी बंदा मेरे को दिख गया। अब देखो, यहां मैं सोच रहा था कि वो टीपीपी ही ले रहा होगा दरवाजे के पास, तो मैंने कुछ नेड्स डाले, बट नेड से कुछ खास रिजल्ट मेरे को मिला नहीं। और वो बंदा भी मेरी लोकेशन जान गया एग्जैक्ट कि मैं कहां पर हूं। तो यहां पर मैंने देखा नीचे स्मोक हो रखा है, तो मेरे को डाउट हुआ कि वो बंदा कहीं घूम के जाके उसे रिवाइव तो देने लग गया और यहाँ मैं नेट डालने में लगा हुआ हूँ। तो मैंने कुछ नेट्स और मॉली डाल दिए और फिर तुम देखो क्या हुआ। अब देखो, एक बंदा तो फिनिश हो गया और मुझे वो बंदा जो उसको रिवाइव दे रहा था वो भी पीछे भागता हुआ दिख गया। तो यहां पर मैं थोड़ा सा फ्लैंक मार के गया उसको पकड़ने के लिए, और भाई क्या ही पकड़ा है इसे भाई, ऐसा पकड़ा है कि अब ये भाग नहीं पाएगा। इसको नॉक करा मैंने, फिर फिनिश भी कर दिया, और यहाँ पर कोई अब था नहीं तो फिर मैं नीचे कूद गया। और भाई अब मेन माल तो यहाँ पर तुम देखोगे, हुआ ये कि भाई मैं फिर से गाड़ी लेके कहाँ आ गया, जॉर्जिया की पहाड़ी पे। कल भी अपन वीडियो में इधर ही घूम रहे थे ना और यहाँ पर खूब किल्स निकाले थे, लेकिन सुताई भी अपनी इधर ही हो गई थी, लेकिन कल अपन ने सीख ली थी तो आज वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, आज चारों तरफ ध्यान रखेंगे भाई, ऐसे थर्ड पार्टी नहीं होंगे आज।
अब देखो, काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे को एक बंदा दिखा चोटी पे एकदम। मैंने कभी हैवी डैमेज करा है बट भाई उसको नॉक नहीं कर पाया, तो ऊपर पुश करने कोई मतलब था नहीं। मैंने थोड़ी देर वेट करा और कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो थोड़ी देर बाद उसने फिर से पीक दी। और इस बार मैंने उसको नॉक भी करा और फिनिश करने का भरसक प्रयास करा, लेकिन यार वो बंदा थोड़ा सा पीछे चला गया था। तो अब मैंने डिसाइड करा कि मैं पुश करूंगा, लेकिन मेरे को बीच रास्ते में उसका टीममेट मिल गया। भाई ये दिखा नहीं था मेरे को। तो यहां पर इन तीनों को ठोकने के बाद ये स्क्वाड वाइप हो गई। अब बच रहे थे 4 बंदे, यानी कि मेरे को लग रहा था कि फुल स्क्वाड होगी, बट नहीं, एक एक करके बंदे मरने लगे। लेकिन मेरे को मिल गई थी क्या, MG3 AWM। भाई गारंटी थी कि अब चिकन डिनर तो अपना ही है। और तभी मेरे को नीचे एक बंदा दिखा। आय हाय भाई, कभी कभी जो रिकॉइल कंट्रोल होता है ना, ऐसा लगता है यार जैसे रिकॉइल ही नहीं गन में। अब यहाँ पर मैं जोन से थोड़ी मार खा रहा था, लेकिन तभी एक और बंदा दिखाई दिया। अब इसको भी भाई क्या शानदार तरीके से नॉक करा है। अब देखो यहाँ पर मुझे पता था सिर्फ एक ही बंदा बच रहा है, क्योंकि ये दोनों टीम के थे, एक ही टीम के थे, और एक बंदा नॉक था। तो मैंने हेल्थ लगाई, गन रीलोड करी, फिर मेरे को आखिरी बंदा भी दिख गया। मैंने AWM निकाली, थोड़ा सा वेट करा, बट यार वो तभी उठ के खड़ा हो गया और उसे एक बॉडी शॉट पड़ी। तो भाई मुझे पता था कि वो बंदा बहुत होगा, क्योंकि AWM भाई पैर पे भी छुल जाती है ना, तो वाट लग जाती है, बहुत लो हो जाती है हेल्थ। तो मैं आराम से यहाँ पर आ गया, मुझे पता तो हेल्थ लगाएगा। तब तक मैंने कुछ नीड्स डालने शुरू कर दिए और इसका टीममेट फिनिश हो गया। इसके पास थी ग्रोजा, मेरे पास MG3। जीत हमारी हुई भाई साहब, कहते इजी चिकन डिनर।